नीट एम पर आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे भिंडी की बहुत ही टेस्टी सब्जी। भिंडी कुछ लोगों को बहुत पसंद होती है और कुछ लोग इसे खाने में आनाकानी करते हैं। और भिंडी की सब्जी भी कई तरीकों से बनाई जाती है, लेकिन आज हम इसे थोड़े से नए अंदाज में बनाएंगे, नई स्टाइल में इसे हम बनाएंगे, जिससे कि हमारी जो भिंडी की सब्जी बनेगी वो बहुत टेस्टी बनेगी। इतनी टेस्टी कि सभी खाने वाले इसको उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही चटपटा होता है। तो आपको भी अगर भिंडी पसंद है तो एक बार इस तरह से घर पर ज़रूर बनाएं। तो चलिए हम इसे जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो इस भिंडी की सब्जी के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम भिंडी ली है। इसे मैंने पानी से अच्छे से वॉश किया है और फिर इसे कपड़े से पोंछ लिया है। पानी इस पर जरा भी नहीं रहना चाहिए। और फिर मैंने एक भिंडी के दो टुकड़े कर लिए हैं। अब यहाँ कढ़ाई में मैं 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल गर्म कर रही हूँ। यहाँ इस भिंडी की सब्जी में स्वाद लाने के लिए मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन हम नॉर्मल रिफाइंड ऑयल में भी इसे बना सकते हैं। तो जैसे ही हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें हम आधी भिंडी डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। अगर आप चाहो तो भिंडी को आप डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन इससे थोड़ा सा तेल वेस्ट होता है। तो अगर हम इसे 2 या 3 बैचेस में कम तेल में इसे इस तरह से फ्राई कर ले, तब भी हमारा काम हो जाता है। अब ये जो हमारी भिंडी है ये काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गई है, इस पर कलर भी आ गया है और ये थोड़ी थोड़ी क्रिस्पी भी होने लगी है। तो इसे हमें पूरी तरह से नहीं पकाना है, इसे हमें लगभग 70% तक पकाना है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर बाकी की बची हुई भिंडी को हम तेल में डालेंगे और इसी तरह से फ्राई करेंगे। इसे भी हम पहले की तरह अच्छे से फ्राई कर लेंगे और जब ये भी फ्राई हो जाए तब हम इसे भी निकाल लेंगे प्लेट में और इन फ्राइड भिंडी को हम साइड में रख देंगे। अब इस बचे हुए तेल में हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे और फिर इसमें डाल देंगे हम ये 2 तेज पत्ते और इन्हें हम थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लेंगे। तो इसे हमें जलाना बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगे, इनका कलर बदलने लगे, इसमें हम डालेंगे ये 2 टेबल स्पून भर के लहसुन। तो लहसुन की कलियों को मैंने इस तरह से स्लाइस किया है, ना तो मैंने लहसुन को क्रश किया है और ना ही इसे चॉप किया है। इसे मैंने पतला पतला, जैसे हम चिप्स कट करते हैं, उसी तरह से मैंने लहसुन की कलियों को स्लाइस करके लिया है और इन्हें हम अच्छा सा कलर आ जाने तक फ्राई करेंगे। इससे हमारी भिंडी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इतने में हम प्याज का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो एक छोटे मिक्सर जार में मैंने यहाँ 1 प्याज के टुकड़े डाले हैं, इसे मैंने रफली कट किया है, और ये लगभग 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, इसे भी मैंने छोटे टुकड़ों में कट किया है, और फिर इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसे पीस लेंगे। तो ये हमारा अदरक और प्याज का पेस्ट तैयार है और इसे हमें पीसने के लिए ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। इधर ये हमारा लहसुन भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, तब हम इसमें डालेंगे ये अदरक और प्याज का पेस्ट और इसे हमें बहुत अच्छे से भूनना है, क्योंकि आप तो जानते ही हो कि अगर हमें सब्जी में स्वाद लाना है तो प्याज को हमें बहुत अच्छे से भूनना है। और प्याज को भूनने में ज़्यादा टाइम ना लगे, इसके लिए इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक और फिर इसे हम अच्छे से भूनेंगे तब तक जब तक कि प्याज का कलर अच्छे से बदलने ना लगे और अच्छी सी खुशबू ना आने लगे भुनाई की। तो अच्छे से इसे हम भून लेंगे। अब यहाँ मैंने 1/4 कप दही ली है, जिसे मैंने अच्छे से फेंट कर लिया है ताकि इसमें दही की मलाई ना रहे। दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए हमारी। इसमें हम कुछ मसाले मिला लेंगे। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून डाले हैं ये लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ही डालेंगे धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर और नमक मिला लेंगे स्वाद के अनुसार। अब इन सभी मसालों को हम दही में अच्छे से फेंटते हुए मिला लेंगे। यहाँ पर अगर आपको मिर्ची थोड़ी ज़्यादा पसंद है, भिंडी ज़्यादा स्पाइसी आपको अच्छी लगती है, तो आप इसमें मिर्ची ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है और ये जो हमारा मसाला है ये भी अच्छे से भुन गया है। आप देख ही सकते हो कि एकदम ही अच्छा इसका कलर आया है और इतना जब हम इसे अच्छे से भून लेंगे तब तो हमारी भिंडी टेस्टी ही बनेगी। तो फ्लेम को अब हम एकदम स्लो पर कर देंगे, फिर इसमें हम ये मसाले वाली दही को धीरे से डालेंगे और बाकी की बची हुई दही को लाने के लिए हम इसमें पानी मिक्स करते हुए इसमें मिला लेंगे। यहाँ पर हमारी दही मसालों के साथ अगर हम मिला लेते हैं तो ये इसके फटने के जो चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं और हमारी सब्जी का मसाला भी बहुत अच्छे से भुन जाता है, बहुत ही अच्छे से पकता है ये। तो अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे तब तक जब तक कि इसमें से बुलबुले ना उठने लगे और धीमी आँच पर ही पहले हमें इसे पकाना है। और अब ये जो मसाला है इसमें अच्छे से बुलबुले आने लगे हैं,
तो अब हमें इसे तब तक अच्छे से भूनना है जब तक कि इसके किनारों पर तेल ना निकल आए। इधर हम टमाटर की प्यूरी तैयार कर लेंगे। तो एक बड़े मिक्सी जार में हम डालेंगे ये दो बड़े टमाटर के टुकड़े, साथ ही ये दो हरी मिर्च के टुकड़े, और अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेंगे। टमाटर को पीसने के लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है, और ये इस तरह से हमारी प्यूरी तैयार है। और अब ये जो हमारा मसाला है ये भी बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हुई है, इसके किनारों पर बहुत अच्छे से तेल निकल आया है और इसका कलर भी थोड़ा सा डेंस हो गया है। तो अब हम इसमें ये टमाटर की प्यूरी डालेंगे, और इसे भी हमें फिर से अच्छे से भुनना है, क्योंकि अगर हमें अपनी सब्जी को स्वादिष्ट बनाना है तो सभी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से भुनना है। तो टमाटर को दही के मसाले में अच्छे से मिला देंगे, और अच्छे से फिर से जब तक इस पर तेल ना निकल आए तब तक हम इसे भुनेंगे। तो ये देखिए, अब जो हमारी भुनाई का काम है वो लगभग हो ही गया है, क्योंकि अब ये मसाला बहुत अच्छे से बन चुका है, इसके किनारों पर तेल निकल आया है। अब इस टाइम पर इसमें हम हमारी ये फ्राइड भिंडी मिला लेंगे। भिंडी को मैंने अच्छे से मसाले में मिला लिया है, और अब मैंने इसमें डाला है ये 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा का पाउडर, और 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर डाला है। भुना हुआ जीरा पाउडर से हमारी भिंडी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इन दोनों मसालों को हम अच्छे से मिला देते हैं भिंडी में और मसाले में। और अब भिंडी में हम डालेंगे 1 से 1.5 कप हल्का गर्म पानी। यहाँ पर भिंडी को हम थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाएंगे। आप चाहे तो इसे इसी तरह से बनाकर सूखी भिंडी की तरह भी खा सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनी भिंडी को खाने में मज़ा ही आ जाएगा। अब हम इसे ढक्कन से ढक देंगे और 5 मिनट तक इसे हम दम पर पकाएंगे। 5 मिनट के बाद जब हम इसका ढक्कन हटाएंगे तो ये हमारी भिंडी की स्पेशल सब्जी बनकर के तैयार है। इसे एक बार चम्मच से मिला देते हैं, और बस अब हमें कुछ नहीं करना है। इसमें से ये जो तेज पत्ते हैं ये हम निकाल देते हैं पहले, क्योंकि इसका फ्लेवर आ गया है हमारी इस भिंडी की सब्जी में। अब इसमें हम मिला लेंगे ये थोड़ा सा बारीक कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया, और सब्जी में इसे अच्छे से मिलाकर हम फ्लेम को बंद कर देंगे। और अब ये हमारी गर्मा गर्म भिंडी की सब्जी को हम रोटी के साथ, या फिर इसका असली मज़ा पराठों के साथ खाने में आएगा। तो गर्मा गर्म इस भिंडी को हम पराठे के साथ सर्व कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भिंडी की खट्टी चटपटी सब्जी बनकर के तैयार है खाने के लिए, और ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी इसे घर पर एक बार ज़रूर बनाएं, सभी को ये बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो प्लीज़ हमारे चैनल EDMishes को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस भिंडी की सब्जी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग EDMishes।